गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी सिक्स क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 35, जिसकी डेट बच्चों 10 फरवरी 2021 रहेगी। और आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम इज़ और कहाँ पर एम और कहाँ पर हम आर यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है बच्चों, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो। आपको पिक्चर को देखना है और सेंटेंस को पढ़ना है। कितनी सुंदर कलरफुल हमारी आज की वर्कशीट आई है। देखिए, दिस इज़ ए फ्लावर, है ना? तो यह है एक फ्लावर है, तो इसके लिए क्या यूज़ हुआ है? इज़ यूज़ हुआ है। दैट इज़ ए बटरफ्लाई, वह एक तितली है, है ना? तो सिंगुलर चीज़ों के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। इट इज़ ए कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। सी इज़ ए डांसर, यह एक लड़की एक डांसर है। एंड ही इज़ ए प्लम्बर, और यह आदमी क्या है? एक प्लम्बर है। तो ये सारे सिंगुलर क्या है? हमारे पर्सन है, तो इनके साथ हमने इज़ यूज़ किया है। तो बच्चों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरह से आगे देखिए, वी यूज़ इज़ विद सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन्स। हम इज़ यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, और आर यूज़ करते हैं हम प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ। जैसे कि हम आगे पिक्चर देखेंगे, उसमें प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करेंगे। देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो। आगे आप पिक्चर को देखना है और आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। देखो बच्चों, पढ़िए, पहली पिक्चर को आप देखिए और पढ़िए, कितनी सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो लिखा हुआ है कि दिस आर बुक्स, तो बहुत सारी प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं। दोज आर वेजिटेबल्स, ये बहुत सारी सब्जियां हैं, तो इसके लिए हमने आर यूज़ किया है। दोज आर ट्रीज, दिस और दैट का प्लूरल बच्चों हमारा दीज और दोज होता है, तो इसके साथ भी हमने आर यूज़ किया है। दे आर मैन, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो इसके साथ भी हमने दे के साथ आर आता है। दे आर गर्ल्स, में लड़कियाँ हैं, तो इस तरह से प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हमने दे यूज़ किया है, और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हमने इज़ यूज़ किया है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें हमें क्या दिया है। आल्सो रिमेंबर द प्रोनाउन आई ऑलवेज मेक्स यूज़ ऑफ एम, दैट इज़। और बच्चों, मैंने आपको कल लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करते हैं। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम ए गुड स्विमर, मैं एक अच्छा तैरने वाला हूँ। और आई एम नॉट ए, आई के साथ हमने क्या यूज़ किया है? एम यूज़ किया है। आई के साथ हमेशा ही एम यूज़ होता है, आपको ये बात याद रखनी है। नाउ लेट अस ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़ एम आर। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कि किस सेंटेंस में हमारा इज़ आएगा, किस में एम आएगा और किस में आर आएगा। देखिए बच्चों, दैट इज़ माई डॉल, आप लोग साथ साथ करते जाइए। दिस इज़ माई हाउस, दिस आर एप्पल्स, क्योंकि बहुत सारे एप्पल्स की बात हुई है, दीज आया है, दीज के साथ आर लगता है। इट इज़ ए लॉन्ग स्टोरी, यह एक लंबी कहानी है। एंड दोज आर सॉर्ट्स ग्रेप्स, ठीक है, दीज दोज के साथ आर लगाएंगे। दैट दिस ही शी के साथ इट के साथ इज आता है। द स्कूल इज़ क्लोज्ड टूडे, आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा छात्रा हूँ। सी इज़ ए ब्यूटिफुल गर्ल, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। एंड ही इज़ माई फेवरेट टीचर, वो मेरी फेवरेट टीचर है। ठीक है बच्चों, तो ये आप फिल कर लेना। चलिए आगे और देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया है। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। अब हमें बताया है कि जिस तरह से हम सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ इज़ यूज़ करते हैं, इसी तरह से सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हैज़ यूज़ होता है, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। यही इस बात इस लाइन में लिखी है। सिमिलरली, वी यूज़ हैज़ विद द सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन एंड हैव विद द प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि बच्चों देखिए, आप लोगों का आ जाएगा लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो। आपको पिक्चर को देखनी है और सेंटेंस को नीचे दिए हुए सेंटेंस को पढ़ना है। ही हैज़ मैनी टॉयज, ही हमारा सिंगुलर है, तो हमने हैज़ यूज़ किया है। राधा हैज़ ए टेडी बियर, सी हैज़ ए न्यू बॉल, उसके पास एक नई बॉल है। द स्कूल हैज़ ए बिग लाइब्रेरी, ये सब हमारे सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है। ए ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड, एक ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है? हैज़ यूज़ किया है। इसी तरह से प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ बताया गया है कि वी हमारा प्लूरल है, और
प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ हमने हैव लगाया है। वी हैव ए पैट डॉग, हम एक पालतू कुत्ता रखते हैं। एंड दे हैव ए कार, वे एक कार रखते हैं। यू हैव ए नाइस वॉच, आपके पास एक अच्छी घड़ी है। द स्टूडेंट्स हैव देयर ओन लंच, बच्चे जो हैं अपना लंच लेकर आए हैं। और आई हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस, आई के साथ भी हैवी लगता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि वी, यू, दे और आई के साथ हम हैव लगाएंगे, और ही, शी कोई नाम है या सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है तो उसके साथ हैज लगेगा। चलिए अपनी एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं। माय स्कूल हैज़ ए लार्ज ऑडिटोरियम, इसमें आप हैज़ लिखेंगे। शी हैज़ ब्लैक हेयर, इसमें भी हैज़ ही लिखेंगे। ही हैज़ मैनी बैट्स, उसके पास बहुत सारे बैट हैं। दे के साथ आप लोग हैव लगाओगे बच्चों। दे हैव नो मोबाइल फ़ोन, वे मोबाइल फ़ोन नहीं रखते हैं। रवि के साथ आप क्या लिखोगे, हैज़ लिखोगे। यू के साथ भी आप हैव लगाओगे। यू हैव ए लवली स्माइल, तुम्हारी एक लवली स्माइल है। इट के साथ आप लोग हैज़ लगाएंगे क्योंकि इट सिंगुलर है। आई के साथ आप हैव लगाओगे, आई हैव ए ब्लू पेन। और वी के साथ भी आपका हैव ही लगेगा, वी हैव फ्रेंड्स हियर। द टीचर्स, बहुत सारे टीचर की बात हुई है, प्रोनाउन है तो बच्चों आप हैव लगाओगे। द टीचर्स हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज, तो इस तरह से हमने प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हैव लगाया, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हमने हैज़ लगा के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। बच्चों अपना काम कंप्लीट कर लेना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।